चैटरी चंडी से लख लख बधाई हूँ। हैप्पी नवरात्रि और गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो मैं जिम जा रही हूँ। सैटरडे है आज। आज हम लोग का सिंधियों का त्यौहार है चैटरी चंड। तो देखते हैं हम लोग आज क्या करते हैं दिन में। अभी तो जिम जा रही हूँ। वैसे नहीं जाने वाली थी, मन नहीं कर रहा जिम जाने का, लेकिन मैंने कहा अभी तो कुछ करना है नहीं तो चले जाते हैं जिम। थोड़ा वर्कआउट ही हो जाएगा और वैसे भी आज लेग डे है तो वो जरूरी है करना। गाइस अभी एक रैली निकल रही है, मैं जिम के लिए निकली तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सकरी वाले जा रहे हैं इधर, सब लोग इकट्ठे होके फिर बाद में मिलते हैं। कोई भैया थे उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उसको बुला लिए थे, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। कैप उतार दी है मैंने क्योंकि बहुत हैवी लगा था कैप पहनने के बाद, और धूप में जाकर ठीक लगता है कि हाँ कैप पहन ली है, बट अभी गाड़ी में तो कोई नीड नहीं है कैप का, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। बहुत ज़्यादा पसीने वाले बाल हैं मेरे, अभी हेयर वॉश करूंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। सो हम लोग रेडी होके अभी अनुषा के घर पे आए हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रही है, मतलब वो ही चल रही है और वो कहीं पे हमें लेके जा रही है। ये रही अनुषा, आके खोल सकती हो तुम। आई नो तुम मेकअप नहीं की हुई हो, जाओ मेकअप करा के आना, तुम्हें छूट है मेकअप कराने की। बाय बाय। तो ये मेकअप कराए बिना तो सामने आएगी नहीं। आपको पता है जब मेकअप करेगी तो सामने ही सामने दिखेगी, वही दिखेगी, हम लोग तो दिखेंगे नहीं आपको। अनुषा ही दिखने वाली है फिर। yes! इसलिए वो अभी दिख नहीं रही है। दिमाग इसको बोलते, देखो इसको बोलते दिमाग। तभी हम देखते हैं कि हम कहाँ, मतलब देखते हैं इसके बाद कि हम कहाँ जाते हैं और हम किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं क्योंकि तो आज अच्छा दिन है, अच्छा फेस्टिवल है तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो हम अच्छी जगह ही जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और एक्चुअली क्या है ना, ये डे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो कास्ट है सिंधी कास्ट, जो ये फेस्टिवल है हमारा, तो सिंधी कास्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और सबको मनाना चाहिए। जितने भी सिंधी हमारी फैमिलीज हैं, सिंधी लोग जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं और जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, भाई बहन हैं हमारे, उनको हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज नवरात्रि की भी स्टार्टिंग हुई है, पहला दिन है नवरात्रि का और राम जन्मोत्सव भी है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, मजे कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा इसको पूरा कंप्लीट देखने के बाद। अब हम निकल रहे हैं जहाँ हम जाने वाले हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वेट कीजिए और मिलते हैं आप लोग से वहीं पे। Yes, guys, we will meet you back. Happy Chetri Chand. Happy Chetri Chand. Happy Navratri. Happy Hindu Vash. फट गए कान, फट गए। Happy Nav Vash. Happy Nav Vash to all of you and Happy Chetri Chand and Happy Navratri to all of you. And your family too. And good wishes to you. Happy New Year. Bye. हम अभी यहाँ पे आए थे और बहुत ही प्यारे बच्चे थे यहाँ पे जिनसे हम मिले। अंदर वीडियो बनाने दिया नहीं गया क्योंकि सही भी है, प्राइवेसी उनका भी होना चाहिए। बाकी बताती हूँ मैं आपको आगे। हमें पहले अपना नाम लिखकर यहाँ पे साइन करना पड़ा और हम क्या चीज़ उनको देने आए हैं वो भी मेंशन करना था। बहुत सारे होते हैं।
एडॉप्शन हो जाता है वो तो चले जाता है, अधिकतर एडॉप्शन ही हो जाता है, चले जाते हैं लोग अडॉप्ट करते हैं। ऐसी कितने मंथ में कितने हो जाते होंगे फिर भी रहता है, कभी आते ही नहीं है, कभी दो तीन आप भी आ जाते हैं, कभी एक भी नहीं आते हैं। तो आप लोगों का समझ होता है कि नो के जा रहे हैं, भले में छोड़ के जा रहे हैं, तो बल बस्ती है वो लोग अडॉप्ट हो जाते हैं ना। हाँ, हो जाते कई लोग हो जाते हैं अडॉप्ट। अरे जाओ ना अंदर से बैठे, बोलो नहीं करे लगेगी उसको सेल्फ पे लगेगी दीदी, अंदर से रोक दो नहीं करते ऐसे नहीं करते। और इसका क्या कोई अपने खुद के बच्चों को ऐसे छोड़ के जा सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर जा सकें तो प्लीज़ वहाँ पे जाके उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं और मतलब आप देखोगे ना उनको तो आपको खुद ना रोना आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर जा सके तो प्लीज़ जाएँ वहाँ पे। और हम उन लोग के लिए दूध पाउडर लेके गए थे और बिस्किट्स लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं जो 2 से 3 महीने तक के भी हैं, काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं और 11 साल तक के बच्चे हैं वहाँ पर।